ये हमारा कटोरी फार्मा है। हम डायरेक्ट बताएंगे कपड़े पर कैसा कटिंग किया जाता है। आपको सिर्फ इसी का फार्मा बना कर रखना पड़ेगा, बाकी कपड़े पर काटना पड़ेगा डायरेक्ट। उसके लिए हम पहले पीछे का कटिंग करेंगे। जैसे हमारा लंबाई है 14 है 15 है, अपने हिसाब से अपनी ब्लाउज के हिसाब से रख सकते हैं। अभी हम बता रहे हैं 14 है तो हम 14.5 रखेंगे। शोल्डर 5.5, बगल का 5.5, चेस्ट चेस्ट 10, दो इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। हमें पहले 40 इंच के लिए बाजू का 6 इंच रखना पड़ता है, पर हम आपको बता रहे हैं कि हम 5.5 रखे हैं सिर्फ कटिंग के लिए। आपको इधर का हमारा 5.5 रहेगा तो शोल्डर भी 5.5 रहेगा, शोल्डर भी 6 रहेगा तो बाजू का भी बगल का भी 6 रहेगा। अब इसको कट करेंगे। अभी हम गला नापेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच का गला रखेंगे। यहाँ पर एक चटके देंगे। अब इस कपड़े को हम इस तरह से पलटी करेंगे। ये जो हमारा रेशा है इसको हम बराबर मारेंगे यहाँ से। अब इसको हम पलटी करेंगे। ये हमारा गला है इसको हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हम 3.5 लेंगे। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे सीधे ये अपना बाजू से। हम पूरा यहाँ बाजू से शोल्डर से लेके यहाँ से सीधे रेशा मारा है, पूरा सीधे लाइन मारा है।
अब यहाँ से हम थोड़ा अंदर ले लेंगे। अब जहाँ पर हम साढ़े तीन रखे हैं वहाँ से लाइन मारेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। ये हमारा चेस्ट का निकल गया है। इसी तरह हमको 28 का, 30 का, 36 रहेगा तो इसी तरह निकालने का। और अब कटोरी की जो फार्मा है इसको इधर टच करने का, इसी तरह छोटा बड़ा जो रहेगा इसी तरह टच करने का। अब इसको कट करते हैं। यह हमारा कठिन हो गया है। इसी तरह कटोरी लगा कर तैयार कर सकती हैं ब्लाउज, बड़ा छोटा भी, मीडियम साइज। आपको सिर्फ यही फार्मा बनाने का है, ये नहीं बनाने का है, ये चेस्ट के हिसाब से ही लेने हैं। अब बेल्ट निकालना बताएंगे। बेल्ट हमारा ये कितना है, 12.5 है, तो बेल्ट भी हम 12.5 निकालेंगे। इधर से हम 3.5 इंच लेंगे। इधर से हम 4 इंच लेंगे। ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। इसी तरह बेल्ट की कटिंग होती है। अब बाएं तो निकाल सकती हैं। इसी थोड़ा तिरछे रखने का कटोरी, जब भी ब्लाउज काटें तो थोड़ा तिरछा रहना चाहिए, सीधा में नहीं। इसी तरह बड़े को भी इसी तरह रखने हैं, मीडियम भी साइज इसी तरह रखने का। जिस तरह एक अस्तर निकालने का उसी तरह कपड़े भी निकालने का, तभी कटोरी फिटिंग का बैठता है, लूज नहीं पड़ेगा अस्तर में।